हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में स्थित है। इसकी गिनती इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में होती है। इसमें एडमिशन सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही ले सकती हैं, यानी कि ये गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU द्वारा एफिलिएटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एम्स और जिपमर एग्जाम नीट में मर्ज होने के कारण इसकी कट ऑफ लो रहने की पूरी पूरी संभावना है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या रह सकती है इसकी कट ऑफ, 2019 की कट ऑफ क्या रही थी, सीट मैट्रिक्स क्या है और इसकी फीस तो इतनी कम है कि न के बराबर ही है। तो क्या है इसकी फीस? MAMC और UCMS का वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल सर्च करके देख लें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा तो वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले हम इसका सीट मैट्रिक्स देखते हैं। तो इसमें टोटल 200 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा की इसमें 30 सीट्स हैं और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल पूल कोटा के अंडर आते हैं वो 15 सीट्स हैं। स्टेट कोटा की DU की इसमें 155 सीट्स हैं। 155 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है, जनरल की 78 सीट्स हैं, OBC की 42 सीट्स हैं, SC की 23 और ST की 12 सीट हैं इसमें। अब इसमें एडमिशन कैसे लें? तो दोस्तों, इसमें एडमिशन नीट स्कोर पर ही होता है। नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद MCC की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस मेडिकल कॉलेज में तीन तरह का कोटा है, 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है। इसके बाद में जो सेंट्रल पूल का कोटा है उसकी काउंसलिंग कंसर्न्ड मिनिस्ट्री द्वारा करवाकर इसमें एडमिशन दिया जाता है। MCC पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद च्वाइस फिल्म में आपको LHMC सेलेक्ट करना है और मेरिट बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद में देखें हम 2019 की कट ऑफ क्या रही थी। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखते हैं ऑल इंडिया कोटा और DU कोटा की। तो जनरल की 661 ऑल इंडिया कोटा की और DU की 613 कट ऑफ रही थी। EWS की कट ऑफ 587 DU कोटा की रही थी। OBC की ऑल इंडिया कोटा की 653 और DU की 567 कट ऑफ रही थी। SC कैटेगरी की 609 ऑल इंडिया कोटा, DU की 476 कट ऑफ रही थी। ST कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा की 583 और DU की 405 कट ऑफ रही थी। अब हम इसमें बात करते हैं आगे की क्या कट ऑफ रह सकती है 2020 के लिए। तो इसमें जनरल के ऑल इंडिया कोटा की 635, DU की 605, EWS की 632, DU की EWS की 590, OBC की ऑल इंडिया कोटा की 630, DU की 555 कट ऑफ रह सकती है OBC की। SC कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की 580, DU की 460। इसके बाद ST कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की 565 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है और DU की 370 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है 2020 में। दोस्तों, कट ऑफ इस प्रकार से डाउन रहने का कारण यही है कि NMC बिल लागू होने के कारण एम्स व जिपमर इसमें नीट में मर्ज हो चुके हैं, इसी वजह से कट ऑफ कम रहेगी। इसके बाद इसकी फीस की बात करें तो 1355 रुपये सालाना इसकी फीस है। अगर हम महीने का हिसाब लगाएं तो 250 रुपये से भी पर मंथ इसकी ट्यूशन फीस है, इससे भी कम है, यानी कि 1355 रुपये एनुअल फीस है, जो नए के बराबर ही है। इसके बाद मंथली हॉस्टल फीस की बात करें तो 490 रुपीज मंथली इसकी हॉस्टल फीस है। तो फीस के मामले में इसकी बहुत ही कम फीस है, इस कारण इस कॉलेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है। तो ये जानकारी थी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के बारे में। इस प्रकार की जानकारी हम चैनल पर हर एक कॉलेज की लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। नई जानकारी, नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।